सकेगा। और हिमालय का व्यू है, ये हमारा कैंप है जहाँ पर हम रहेंगे, और ये रहेगी जस्ट सामने। मैं हूँ, ये हमारी टीम है, और यार लड़कियाँ कूद गई। भैया प्राइज क्या है मतलब इनका? हेलो गाइस, हाय। हर स्टोरी की शुरुआत कुछ ऐसी ही मेमोरीज से होती है, बट हमारी स्टोरी थोड़ी अलग और मज़ेदार थी। सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी बैच को ट्रिप के लिए मनाना, बट उनके जो रिएक्शन थे वो कुछ इस तरह के थे। लेकिन इसके लिए आपको मेरी माँ से बात करनी होगी। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। ये सब दोगलापन है। हाथ का मैल होता है पैसा, इसे बचाते नहीं उड़ाते हैं। ना मतलब ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट सोचेंगे। लिख के देता हूँ, कोई नहीं आएगा। हम सब लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तब हम क्या देखते हैं कि तुरंत हमारे वहाँ ट्रेन आ जाती है। तो फ्रेंड्स फाइनली तकरीबन एक घंटे के इंतज़ार के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है, और हम रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए फतेहपुर से। और बाकी सब फ्रेंड्स भी ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं, तो थोड़ी देर में हम आपको उनसे मिलवाएंगे भी। घर, रूफ, माउंटेन, छत, माउंटेन, पहाड़ नहीं है, माउंटेन, पर्वत, पेड़, आसमान, और कहाँ माउंटेन से रिलेटेड है? ठीक है, कश्मीर की गली। शादी में जरूर आना। फ्रेंड्स हमारी जो ट्रेवलर थी वो आ गई है, और सब लोग बैठ चुके हैं। बाकी अगर आपके मन में पहाड़ों को घूमने की ललक हो और आपके पास पैसे ना हो, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप अपने जैसे 15-20 घुमक्कड़ दोस्तों को पकड़ो। और इससे क्या होगा कि जो ट्रिप होगी उसमें कंट्री हो जाएगी। कंट्री मतलब समझे आप। तो भाई हमको पता नहीं हम किधर जा रहे हैं। बाकी यहीं से इधर बर्फ़ दिख रही है, आगे नुज्जी हैं, और पीछे सारे के सारे लोग आए जा रहे हैं। यूँ जस्ट मेरे पीछे यहाँ कैंप लगेगा, और हिमालय का व्यू है, ये हमारा कैंप है जहाँ पर हम रहेंगे, और ये रहेगी जस्ट सामने। तो गाइस मैं आके बैठ चुका हूँ इधर हमारा एक कैंप के अंदर, और अंदर का टन टन। तो देखिए ये हमारा पलंग है, और अगर मैं अंदर जाके देखूँ तो ये वॉशरूम है, और बाकी पूरा रूम का सीन इस तरह का रहेगा आपका। हमको अंदर आए हुए जस्ट मुश्किल से 10-15 मिनट हुए होंगे, और मैं आपको हमारे रूम का जो अभी हाल फिलहाल में हालत है वो दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम लग रहा है ना, टाइपिकल फीलिंग आ रही होगी जो नॉर्मल होता है बॉयज हॉस्टल उसकी तरह। और सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया हम लोगों ने। बाकी बाहर का मुझे पता नहीं बाहर क्या सीन चल रहा है। इधर वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर ये हमारी खिड़कियां हैं, खिड़कियों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया जा रहा है कपड़े सुखाने के लिए, तो ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है। तो फ्रेंड्स मैं व्लॉग का कंटेंट सर्च कर ही रहा होता हूँ कि तभी बाकी फ्रेंड्स अगर बैठ जाते हैं और हमारी चर्चा चलती है कॉलेज लाइफ वर्सेज पहाड़ों में जो लाइफ होती है। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं एक बहुत ही फेमस कैब है मनाली के पास में कसोल में, एक मैं आपको व्यू दिखाता हूँ पहले।
सीन तो दिखा दिए रिवर वाला, तो अब यही फोटोग्राफी वगैरह लेंगे और आपको दिखाएंगे, खींची कुछ चुनिंदा फोटो। और बगल में एक कैफे है, तो इस पुल से क्रॉस करते हुए इस कैफे के अंदर कुछ खाना वगैरह खाने भी जाएंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा डे वन लगभग एंड होने वाला है और कुछ जो लास्ट के इवेंट बचे हैं उसको हम करने वाले हैं, जिसका नाम है बोन हायर। इसका नाम है नितिन वालिया। हेलो गाइस। आनंद नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि 10 से ज्यादा बज गया है और बाकी आसपास के लोग भी बंद हो गया है, इसीलिए स्पीकर भी बंद होने के कारण यही दोस्त यार नहीं कर पाए। तो गाइस, आज हमारा डे टू और देखिए अभी सूर्य उदय तो नहीं हुआ है, बाकी लापन है और बाकी सब लोग भी सो ही रहे हैं। मैं भी उठ गया हूँ ताकि इधर ट्राइपॉड वगैरह जो इसको सेट कर सकूँ और जो आपका इधर का व्यू है उसको मैं दिखा पाऊँ। बाकी सब लोग अभी सो रहे हैं, इधर नाश्ता वगैरह के लिए आएगा हमारा, बाकी प्रोसेस चलेगा। फ्रेंड्स, अब हमारे कैंप जो था वहाँ से निकल चुके हैं और नेक्स्ट टारगेट है हमारा, वो है नग्गर पैलेस और मनाली एक्सप्लोर करना। मेरे साथ हमारे प्रिय मित्र पार्थ सिंह हैं, तो देखते हुए हम गुजरते जा रहे हैं। बाकी ट्रेवलर थोड़ा आगे खड़ा है। पानी ज्यादा नहीं है, इतना इतना है कमर तक, तो गाइस पैराग्लाइडिंग और इससे पहले राफ्टिंग को देख करके हमारे मन में भी आया कि हम भी राफ्टिंग करते हैं। फुल नेम दिशा। आपका पार्थ। आपका युवराज। कनिष्का। गाइस इज हर हर महादेव। हर हर महादेव। हेलो। क्या बोल रहे पब्लिक? बहुत मजा आ रहा है। या या गणेश सर। वाह, और मजे आएंगे कल तो पूरा दिन। परसों भी जोगी वाटरफॉल्स है तो वहाँ भी झरना वरना देखने के लिए मिलेगा। मुझे घर वालों ने भी शायद इसीलिए की क्योंकि हम लोग जा रहे हैं, तो मजा तभी आती है जब दोस्त हैं, अकेले कोई मजा नहीं है। तो फ्रेंड्स, लगभग हम 500 से 800 मीटर ऊपर चढ़ाई करके जस्ट पहुंचने वाले हैं नग्गर जो स्थान है, में मंदिर भी बहुत प्यारा सा। और इधर देखिए व्यू आ रहा है हिमालय का, बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं जो नग्गर करके जगह। एक लुक दिखाता हूं मैं आपको। फ्रेंड्स, पूरा लकड़ी से ये बना हुआ है और हम नीचे जा रहे हैं और आगे का व्यू आपको दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम जो हमारा मनाली में होटल था वहाँ पर आ चुके हैं। होटल का नाम था होटल सोलिटेरे, काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये हमारे रूम में आलमारी हैं, यहाँ देखिए मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ इस टेंट के थ्रू। और बगल में हमारे मित्र अनुज जी हैं, इसके जस्ट पीछे हमने आईपीएल को देखने के लिए टीवी चलवा रहे हैं। बाकी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी रिचार्ज वगैरह में, 5 से 10 मिनट लग सकते हैं। और ये हमारा रूम है पूरा, ठीक है। यहाँ पर बगल में आलमारी है, आलमारी का मैं आपको व्यू दिखाऊंगा। पहले ये इधर बाथरूम वगैरह है, ठीक है, ये बाथरूम है। हाँ, तो जो ये अभी अंधेरा हो रखा है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बाकी पूरा बालकनी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, कल रात को शाम हो गई थी तो कल शाम को इतना अच्छा व्यू नहीं आ पाया था बालकनी का, तो मैं अभी आपको एक बार व्यू दिखाता हूँ हमारे होटल के जस्ट बाहर जो बालकनी है, ठीक है। अगर मैं आईने के थ्रू दिखाऊं तो देखिए
और मैं इसको थोड़ा रोक करके गेट के थ्रू आपको जाता हूँ और पूरी चीज़ दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉल रोड घूम के हम वापस आ चुके हैं होटल में, और होटल में ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने सीधा आईपीएल की हाइलाइट्स, जो आज मैच था एसआरएच और एमआई के बीच में, वो देख रहे हैं। बाकी थोड़ी देर में आराम करेंगे और कल स्नो पॉइंट देखने जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें रास्ता मिल चुका है, एक रास्ता इधर से जा रहा है, थोड़ा लॉन्ग पड़ेगा, लेकिन हम शॉर्ट इधर से थ्रू सीधे जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप ये चारों तरफ जो फेड देख रहे होंगे, देखिए एक बार हाइट देखिए इनका, भैया प्राइस क्या है मतलब इनका अगर बैठना हो तो? क्या 50 रुपये आ रहे हैं अभी, तो 50 रुपये इन पर सवारी का प्राइस है, और सवारी के लिए लगेगा चार्ज, और हम दर्शन करके आते हैं, बाकी आपको दिखाते कहाँ जा खड़ा हो। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो महाभारत हुई थी उसमें भीम को तो उसे जानते होंगे, ठीक है, तो जो भीम का पुत्र था घटोत्कच, उसकी माताजी यानी कि भीम की जो पत्नी जी थी हिडिंबा, उनके नाम पर ये टेंपल बना हुआ है, और एकदम बहुत प्यारा नज़ारा आ रहा है यहाँ पर, देवदार के फेड बगल में। और ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आप ये सींग देख रहे हो, ये एकदम जो रियल बेड होती है उसका सींग है, रियल वाला, एकदम रियल वाला सींग है। आप थोड़ी देर बाद हम आ जाते हैं देवदार के पेड़ के पीछे रील का कंटेंट शूट करने के लिए, और थोड़ा बहुत रील वील बनाते हैं, उसके बाद में हम चले जाते हैं आगे घटोत्कच जो मंदिर हैं वहाँ दर्शन करने के लिए। तो मेरे जस्ट पीछे आप जो देख पा रहे हो, इसके अंदर जो वीर घटोत्कच है उनके बारे में, उनकी वीरता के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, और महाभारत में आप सब भी उनको जानते भी होंगे। आगे एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, यहाँ पर माना जाता है कि जो भी आप मन्नत मांगते हो वो ज़रूर पूरी होती है, और पता नहीं क्या इस चीज़ में चमत्कार है, बाकी ये रियलिटी है भाई। फाइनली फ्रेंड्स, 100 साल के अंतराल के बाद हमको बर्फ दिख रही है, और कोई भी बस के अंदर नहीं देख रहा, सब बर्फ की तरफ ध्यान जा रहा है। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं अली और सब लोग, कॉलेज की फाइनली जो ट्रिप थी वो सक्सेस हो गई है, सब लोग आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हम घूम रहे थे यही वादियों में, तभी हमारे कुछ मित्रगण हैं वो घूम चुके हैं, और तनु उनको ढूंढ रही है, कॉल लगाया, कॉल उठ नहीं रहा है, पता नहीं पार्थ किधर निकल गया। खोखा गए थे तुम लोग, हम तुम लोगों को तलाश रहे थे, हम लोग तुम्हें लेने आए, हम वीडियो बना रहे थे कि चार साथी घूम गए हमारे, हम ढूंढ रहे हैं उनको। तुम नहीं खाओगी क्योंकि भूखड़ का टैग तुमने मुझे और अक्षिता को दिया है, तो सिर्फ मैं और अक्षिता ही खाएंगे। फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं जहाँ पर हमको स्नो पॉइंट मिलेगा, और वहाँ हम बहुत ही दिलचस्प
एक प्रतियोगिता कंपटीशन टाइप का रखेंगे, देखते हैं कौन सी टीम जीतती है। तो सीधा वहीं मिलते हैं आपसे, लाइन बना के आओ सब लोग।